सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डीएसएम ज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है प्रेजेंटिव डेफिनेट। तो फोर्थ क्लियर आवर टॉपिक इज प्रेजेंटिव डेफिनेट। अगर कोई सबसे टफ अगर कोई टेंस पढ़ता है तो वो प्रेजेंटिव डेफिनेट। सबसे कोई टॉप टेंस है तो मतलब क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा रूल्स पढ़े हैं। ये एक ऐसा रूल्स है जिसमें प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तीनों मिक्स करता है। क्या करता है? प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तीनों क्या करता है? मिक्स करता है। जैसे बहुत सारे ऐसे सेगमेंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं जो पास्ट में बोले जाते हैं लेकिन बनते किसमें है? प्रेजेंट में। जैसे मान लीजिए कि जो लाइव कमेंट्री चलती रहती है, लाइव कमेंट्री जितनी चलती है वो हमेशा पास्ट में वहां बोलने वाला हो। जैसे वहां बोलने वाला बोलते हैं कि सचिन ने छक्का मारा, लेकिन जब ट्रांसलेट करता है इंग्लिश में तो बोलता है सचिन हिट सिक्स। और वहां हिंदी में बोला जाता है पास्ट में, लेकिन जब उसकी ट्रांसलेट की जाती है तब इसमें की जाती है प्रेजेंट। तो बहुत सारे ऐसे सेगमेंट है। चलिए अगले रूल्स की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रेजेंटिव डिफरेंट है कुछ रूल। नेक्स्ट रूल प्रेजेंटिव डिफरेंट पढ़ते हैं। और मैंने पहले भी बोला था कि जितने भी फॉर्मेट आप पढ़ते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में कार्य किए रहते हैं ये माज क्या एक मजाक है जो हम लोग देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं और बचपन से जो सुनते हैं। इसका प्रेजेंटिव डिफरेंट से कोई लेना देना नहीं। एक दिमाग है कंसेप्ट में कहीं ना कहीं दिमाग में क्या करते रहता है और उसी को हम लोग लगातार क्या करते रहते हैं, फॉलो करते रहते हैं। तो चलिए प्रेजेंटिव डिफरेंट अगला रूल्स हम लोग पढ़ेंगे। अगले रूल्स में होगा सब्जेक्ट लगाएंगे और इसमें लगाएंगे हम लोग प्रीफर और प्रीफर्स। प्रीफर का यूज करेंगे या प्रीफर्स का यूज करेंगे? प्रीफर का यूज एज यूजुअल आई वी दे यू। प्रीफर्स का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वी सी ई। यहां पे नाम लगाते हैं दो नाम का यूज। दो नाम का यूज यहाँ पे हम लोग करेंगे। अब ये नाम डिपेंड करता है हिंदी पे। ये नाम डिपेंड किस पे करता है? हिंदी पे ही नाम डिपेंड करता है कि किस तरह का कंडीशन होता है। पहली बात, जब भी आप प्रीफर करते हैं तो हिंदी के पहले लास्ट वाला नाउन को पहले लगाते हैं और पहले वाले नाउन को लास्ट में लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल गिवन है। प्रीफर का रियली मीनिंग होता है आवश्यकता से अधिक पसंद करना। किसी चीज को जब आप ज्यादा पसंद करते हैं तो वहां पे प्रीफर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे नाम लगाएंगे। इसके बाद भाग का सेगमेंट आएगा तो वो थोड़ा सा बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे, मुझे मुझे रोटी से ज्यादा चावल पसंद है। ये देखते हैं कि जो ज्यादा पसंद है उसको पहले लिखते हैं, जो कम पसंद है उसको बाद में लिखते हैं। इस बात का ख्याल रखें। तो पहले बनाएंगे आई। आई के साथ आप लगा रहे हैं प्रीफर। आई प्रीफर। इसमें ज्यादा क्या पसंद है? सबसे पहले लिखेंगे राइस टू ब्रेड। ब्रेड लिख सकते हैं, चपाती लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये नाम के फॉर्म में। अब मान लीजिए कि यहाँ पे दूसरा सेगमेंट है जिसमें लिखते हैं कि मम्मी से ज्यादा पापा पसंद है। ये जेन्युइन चीज है, ये आपका सब। लेकिन कभी कभी हम अपने फ्रेंड्स के साथ जब रेस्टोरेंट में जाते हैं
तो हम क्या करते हैं उनके पसंद पूछते हैं, क्या करते हैं उनके पसंद। तो वहां पे जब पसंद पूछते हैं तो पड़े व्हाट यू प्रीफर टी और कॉफी, वहां पे जाते हैं तो पूछते हैं हमसे, क्योंकि कॉजुअली ये हमारा क्या है, ये हमारे मैनर्स है कि हम सबसे पहले अपने गेस्ट से पूछते हैं कि क्या पसंद है। तो हम पूछते हैं व्हाट यू लाइक टू प्रीफर, क्या लेना पसंद करेंगे टी और कॉफी, चाय या कॉफी। तो सबसे प्रोबली इसका बोलने में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो दूसरा सेंटेंस ठीक है, आई प्रीफर फादर टू मदर, फादर टू मदर टू या मॉम टू कॉफ, जो भी आप लिखना पसंद करते हैं वो लिख सकते हैं। लीजिए नेक्स्ट, क्लियर। प्रीफर के बाद हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि नाम के जगह भर्ब क्यों जुड़ गया, ठीक है ना। तो नाम के जगह जब भर्ब जुड़ेंगे तो भी फो लगाएंगे दोनों जगह, ठीक है। क्या करेंगे दोनों जगह क्या पहले लगेंगे भी फो, जैसे अगर यहां पे एग्जाम्पल हो जाए कि मुझे पढ़ने से ज्यादा लिखना पसंद, पढ़ने से ज्यादा लिखना पसंद है। और दूसरा सेंटेंस होगा, बोलिएगा सिर्फ तुम मुझे से बता रहे हो, तो दूसरा सेंटेंस बोल देते हैं उसे उसे खाने से ज्यादा सोना पसंद है, खाने से ज्यादा सोना पसंद है, बहुत लोगों को पसंद होता है। और ठंडी के दिन में तो और ज्यादा नींद आता है, तो बढ़िया नींद आ रहा है आजकल, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है 11, 12, 9 का, तो ऐसा सीजन होता है जिसमें खूब बढ़िया नींद आता है, तो बच्चे भरपूर नींद का आनंद लेते हैं, भले ही एग्जाम जाके जो भी करना है करते हैं। तो एग्जाम का आनंद ना ले पर सबका पढ़ने में ध्यान दे, नहीं तो 11, 12 को लाइव अगर हो गया बर्बाद गलती से हो गया 11, 12 तो सारा जिंदगी भर वही रोना पड़ता है। ये बात सही है कि लोग बोलते हैं कि पेपर जरूरी नहीं है पढ़ाई में, लोग बोलते हैं कि टारगेट जो होता है वो पेपर का नहीं होता, वो सही बात है, इस बात को मानते हैं, लेकिन एग्जाम मोड तो पेपर के ऊपर डिपेंड करता है ना। बहुत सारे फॉर्म ऐसे हैं जिसका 65% से बिलो स्कोर है तो आपको फॉर्म ही नहीं भर सकते, जैसे एयरफोर्स नेवी में तो आप पूछिए ही मत, परसेंटेज दिन पर दिन उसका बढ़ रहा है, 72% से 72% मिनिमम रहेगा तो आप फॉर्म भर सकते हैं। कभी पिछले बार एयरफोर्स का कट ऑफ 90 नंबर के ऊपर गया है, तो बताइए कैसे पढ़िएगा, 100 की 100 में 90 नंबर आएगा तो आपका सिलेक्शन ड्रीम तो बहुत बड़े हैं। और जितने भी बच्चे बाकी डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स ने भी सबसे स्टैंडर्ड जॉब में आता है एयरफोर्स, माना है डिफेंस में अगर सबसे स्टैंडर्ड जॉब है तो कौन सा है एयरफोर्स, उसके बाद आता है एनडीए, तो छोड़ दीजिए एनडीए एक बड़ा प्रोजेक्ट है, नेवी आता है और उसके बाद आता है आर्मी, आर्मी के बारे में आप जानते हैं। लेकिन अभी के जो बच्चे हैं आर्मी में वो सिर्फ दौड़ने पर विश्वास कर रहे हैं, तो सिर्फ दौड़े में बताते क्या करें। तो जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए जरूरी है फिजिकल के साथ ही एजुकेशन, फिजिकल के साथ रिटेन का भी तैयारी कर, ठीक है। और जीते जी समुद्र है, ठीक है। और जो बच्चे 9th 10th अगर बढ़िया से जीके जीएस पढ़ लिए, मतलब डिस्ट्रिक्ट सीरीज ज्योग्राफी जो 9th 10th में बेहतर पढ़ लिए, उनको आगे पढ़ने की जरूरत है। ये मेरी गारंटी है कि 6th 10th तक अगर जो बच्चे एनसीईआरटी का बुक पूरा डिस्ट्रिक्ट सीरीज ज्योग्राफी और साइंस का बुक जो एनसीईआरटी पूरा पढ़ के घोर लिए, वो समझिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में वो यूपीएससी पीटी नहीं कर सकते, बाकी जॉब को छोड़िए यूपीएससी का पीटी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर सकते, इतनी गारंटी है। और जान लीजिए साइंस फैकल्टी के लिए एक बात बताते हैं कि सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो बायोलॉजी से पूछता है,
30 क्वेश्चन साइंस से रहता है, जिसमें 12 से 14 क्वेश्चन से पूरा हो जाता है किससे, बायो से, 8 क्वेश्चन हो जाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री, 8 क्वेश्चन फिजिक्स और बाकी 8 से 9 या 10 जो होते हैं वो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री से गिने चुने 4-5-6 क्वेश्चन रहते हैं, बाकी बायो से मैक्सिमम क्वेश्चन रहता है। तो साइंस वाले भी इस बात का ध्यान रखते हैं, 6 to 10 अगर बच्चे जो कम्प्लीट कर रहे समझिए कम्प्लीट हो गए। चलिए इसको देखते हैं, मुझे पढ़ने से ज्यादा लिखना पसंद है, टाइप प्रेफर रीडिंग टू राइटिंग, राइटिंग टू रीडिंग, जो ज्यादा पसंद है उसको पहले लिखेंगे, राइटिंग राइटिंग टू रीडिंग। उसे खाने से ज्यादा सोना पसंद है, तो ही अब ही के साथ मैंने बोला था पी फर्स लगा रहे हैं, पी पी फर्स क्या करेंगे, स्लीपिंग ज्यादा क्या पसंद है, स्लीपिंग टू रीडिंग। बोलना आसान होता है इससे, क्या कहा ये बोलने में सबसे ज्यादा प्रोफेशनल होता है, क्लियर है, लिख लिया आप लोग।